सिनेमाघरों में हर साल कई बड़ी फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज होती है, जिनके क्लेश की वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही बड़ी फिल्मों को नुकसान होता है। और कुछ ऐसा ही क्लेश 1 दिसंबर को हुआ था। साल की सबसे बड़ी वॉयलेंस वाली मूवी और एक ऐसी मूवी जिसे जाना गया था उसकी कहानी की बदौलत है। सैम बहादुर, जिसने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, एक अंडररेटेड मूवी कहे जाने के बाद में भी मूवी 70 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी और एनिमल का डाटा चौंकाने वाला आया है। एनिमल, जिसे 2 हफ्ते सिनेमाघरों में होने वाले हैं, अगर उसकी कमाई की बात की जाए तो 800 करोड़ रुपए मूवी तकरीबन कमा चुकी है और अभी भी इसकी कमाई रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ रही है। और उम्मीद ये भी लगाई गई है कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी। मूवी को अभी समय बचा है, आने वाले समय में एक बार फिर से ये कमबैक करेगी। संदीप रेड्डी द्वारा बनाई गई एनिमल, जिसे वॉयलेंस के नाम से जाना गया था और कम्प्लीटली मूवी फैंस की इरादों पर खरी उतरी थी, 1 दिसंबर को इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फैंस ने मूवी पर दिल खोलकर प्यार लुटाया, मूवी को काफी तारीफें मिली। मूवी ने पहले दिन छप्पड़ फाड़कर 116 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। मूवी को बनाने में सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, मूवी ने पहले दिन 116 करोड़ रुपए कमाए। ऑब्वियसली हिट की कैटेगरी में जा चुकी और यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। पहले वीकेंड में धमाकेदार कमाई करने के बाद में हर किसी को भरोसा था कि एनिमल की कमाई गिरेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरे वीकेंड में मूवी ने पलटवार किया और दूसरा वीकेंड भी 300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। दूसरे वीकेंड के वर्किंग डे भी मूवी डबल डिजिट में चली है। सैटरडे और संडे को मूवी ने कमबैक किया है, 40-40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। वही अगर आज के रिलीज स्टेटमेंट की डाटे की बात की जाए तो वो 10 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। कल मूवी ने 13 करोड़ रुपए कमाए थे और इसी के चलते हुए मूवी की कमाई इसके फेवर में चली है। मूवी की कंप्लीट कमाई की बात की जाए तो वो 800 करोड़ रुपए के पार पहुंची है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये कमाई कहां तक पहुंचती है। वही दूसरी ओर विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर को भी इसी दिन रिलीज किया जाता है। 50 करोड़ रुपए मूवी को बनाने में खर्च हुए थे लेकिन क्लेश की वजह से नुकसान हुआ है। वैसे तो सैम बहादुर को अपनी ऑडियंस मिली थी लेकिन मूवी की जो कमाई रही वो उसके फेवर में रही है। पहले वीकेंड में मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और दूसरे वीकेंड में भी मूवी ने परफॉर्म किया है। दूसरे वीकेंड के सैटरडे और संडे को मूवी ने 5-5 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कमाई की है। इसी के चलते हुए मूवी का जो कलेक्शन हो चुका है वो 74 करोड़ रुपए हो चुका है।